तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम ग्रुप डेटा के मोड को कैसे पता करते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने मीन और मीडियन के टॉपिक्स पर बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, बहुत सारी वीडियोस हो चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ उन्हें जाके देखें, ताकि ये आपको और अच्छे से समझ में आ सके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब ग्रुप डेटा का हम मॉड फाइंड करते हैं तो हमारा सारा काम जो है फ्रीक्वेंसी से होता है। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी में जो है उस टर्म को देखते हैं जो सबसे बड़ा होता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है जो कि कुछ इस तरह से है, 8, 15, 28, 30, 22, 10 और 4, 3। तो देखिए, यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसमें जो सबसे बड़ा टर्म है वो आपका 30 है। तो मॉड को फाइंड करने के लिए जो हमारा सबसे बड़ा टर्म होता है वही हमारा लीडिंग टर्म होता है, यानी कि इसी की हेल्प से सारा ही क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है मॉड का। तो देखिए, जो बड़ा टर्म है उसे हम F1 लेट कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए, आपने बड़े वाले टर्म को F1 लेट कर लिया है, तो इस बड़े वाले टर्म के ठीक ऊपर वाला टर्म यानी कि ये वाला F0 हो जाता है, और इसके ठीक नीचे वाला टर्म आपका F2 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो आपने फ्रीक्वेंसी चूज़ करी थी सबसे बड़ी वाली 30, उसी के सामने वाला हम लोग जो है इंटरवल चूज़ करते हैं। तो अब देखिए, हमारे पास जो L है, L क्या होता है, आपका लोअर इंटरवल होता है, है ना, CI का लोअर इंटरवल। तो देखिए, ये जो 35 से 40 का इंटरवल है, यहाँ पर जो आपकी लोअर लिमिट है वो 35 है, तो L हमारा क्या हो जाएगा, 35। ठीक है, अब देखिए, L आपका 35 निकल के आ गया। अब I कितना है, तो I हमारा यहाँ से क्या है, कितने का गैप है, 25 माइनस 25 का, तो क्लास इंटरवल हमारा 5 का दे रखा है। ठीक, अब देखिए, हमको जो जो डेटा चाहिए मॉड को पता करने के लिए, हमने सारा ही फाइंड कर लिया है। ठीक है, F1, F0, F2 और L चाहिए था, हम लोगों ने पता कर लिया है, I भी पता ही कर लिया है हम लोगों ने। तो देखिए, मॉड के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, है ना, इनमें जो है मेन मीडियन जितना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, बाकी आप फॉर्मूला अप्लाई करिए और आंसर आपका मिल जाता है। तो देखिए, मॉड का आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो मॉड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 F2 और इनटू में आपका क्लास इंटरवल I। तो ये आपका सिंपल सा मॉड का फॉर्मूला है। अब देखिए, यहाँ पर सारी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो L हमारा क्या है, 35 है, प्लस F1 आपने क्या लेट करा था, F1 आपका हायर फ्रिक्वेंसी थी 30, उसके बाद F0 हमारा था 28 अपॉन में 2F1, तो 2 × F1 का मतलब हो गया आपका 30, माइनस में F0 आपका है 28, माइनस F2 आपका 22, इंटू में क्लास इंटरवल जो कि 5 का है। अब देखिए, 35 प्लस 30 से जब आप 28 माइनस करेंगे तो आपके पास 2 बचेगा, और यहाँ से आपके पास इंटू में 5 होगा अपॉन में 2 × 30, ये आपका 60 हो जाएगा। 60 माइनस आपका जो 28 है और 22, माइनस माइनस ऐड होगा, जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका बनेगा 50। ठीक है, इस तरह से जब आप आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 35 प्लस 2 × 5 = 10 अपॉन, यहाँ से आपका 60 माइनस 50, ये आ जाएगा 10। तो ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा। ठीक, तो इसको मैं यहीं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए, 35 और ये प्लस का साइन, और यहाँ पर बचा है आपका 1, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। तो इस तरह से जो आपका मॉड निकल के आएगा वो 36 होगा, तो यही आपका मॉड हो जाएगा। तो इस तरह से हम ग्रुप डेटा के जो है क्वेश्चंस में मॉड पता करते हैं जब हमारी सीरीज कंटिन्यूस हो। तो अभी हम लोग मॉड के टॉपिक पर एक और वीडियो करने वाले हैं, जो कि आपकी डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल पर बेस्ड होगी।
आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।